तुम्हें लगा मुझे दो उंगलियां देकर तुम सब मुझ पर हुक्म चला सकती हो? औकात में रहो। सिर झुकाना भूल गए? वो कहते हैं ना, महान लोग कम झुकते हैं। खुद को क्या 30 मार खा समझता है? जलवा है हमारा। झुक के रहना पड़ेगा मेरे आगे। इस मामले में तो ये सुकुना का भी बाप है। आखिर ये आदमी है कौन? यो हिला डा। ये सुकुना का भी बाप है। बाकी काम मुझ पर छोड़ दो। हम 100 साल बाद इस दुनिया के तबाह होने के बाद मिलते हैं। तुम सब मरोगे। प्लीज जाग जाओ महान सुकुना। तुम दोनों ने इसे कितनी उंगलियां खिलाई है बताओ। मैं नहीं बताऊंगी निविको। ठीक है तो फिर मरो। मेरा वक्त बर्बाद मत करो। पीछे हट। तुम्हारे लिए एक इनाम है। मुझ पर हमला करो। अगर एक भी वार करने में कामयाब हुए तो मैं वही करूंगा जो तुम कहोगे। अपना वादा पक्का निभाओगे ना? मुझे पता है ये ज्यादा ताकतवर है। रुक जा। कोई भी तब तक नहीं हिलेगा जब तक मैं भागो ना कहूं। हिलना मत। भागो। तोगे ने कहा था कि सातोरु को कैद कर लिया गया है। गोजो ये गोजो वो। हमारी जिम्मेदारी सिर्फ गोजो को बचाना नहीं है, समझे? क्या पता अभी शिबुया के किसी कोने में कोई फंसा होगा। तो जाकर हर एक बिल्डिंग हर एक फ्लोर की तलाशी लो। मुझे बस यहाँ वहाँ घूमकर टाइम वेस्ट करना होगा क्योंकि मैं उस फ्लोर पर जाकर मरना नहीं चाहता। तुम लोग जुजुत्सु हाई से आए जादूगर हो ना? तुम लोग हार मानोगे या नहीं? मर्द हमेशा तुरंत फैसला लेते हैं। मैं तो पांडा हूँ, ये तुम्हें बोल रही है। इस बार से सुकुना को भी चोट तो लगनी ही चाहिए। वार लगे तो सही। छलावे की दुनिया क्यों नहीं इस्तेमाल करते? मुझे पता है छलावे की दुनिया की लड़ाई में मैं तुमसे जीत नहीं पाऊंगा क्योंकि गोजो के साथ भी तुम हार गए थे। सच में अव्वल दर्जे के डरपोक। क्या तुम्हें पता है गोजो खानदान और जेनिन खानदान की आपस में दुश्मनी क्यों है? लेकिन उस जमाने में दोनों खानदानों के मुखिया एक खेल के तौर पर चल रहे मैच में सीरियस हो गए और फिर दोनों ही मारे गए। हाँ, उनमें से एक के पास मेरी तरह 6 आंखें और लिमिटलेस तकनीक की ताकत थी और दूसरे मुखिया जो टेक्निक इस्तेमाल करते थे यानी 10 परछाइयों की तकनीक। तुम्हें समझ में आया ना मैंने जो कहा? बाद में मिलते हैं। हाँ। मुझे माफ करना यूजी। ओए हड्डी की दुकान, पहले मैं मरूंगा और फिर तेरी बारी। अभी मत मरना, तुमसे कुछ बेहद जरूरी काम करवाने हैं। हाँ ये कर लो पहले। क्या काम है? चुप हो जा। फुशीगुरो की जान बचाने के लिए एक अरसे बाद अपनी ताकत आजमाऊंगा।